My dear students, assalamu alaikum. I am your understand communicating English teacher Babu Hussain. Today our topic is about tenses. Lesson number 11, present perfect tense and past perfect tense. Perfect tense, हम कहते हैं कि जब किसी ज़माने में कोई काम मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो जाए तो वो present perfect tense कहलाता है. उर्दू में इसकी पहचान ये है कि फिक्रे के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी है के अल्फाज आते हैं. जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसमें सब्जेक्ट के बाद दो हैविंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हैज और हैव. ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं. जहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है वहाँ पर हम हैज इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन वगैरह. तो हम हैज को बतौर हैविंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं. और जहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होगा वहाँ पर हम हैव इस्तेमाल करते हैं. दोनों हालतों में हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल. तो इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और फिक्र में ये शो करते हैं कि काम मौजूदा वक्त में या गुजरे वक्त में मुकम्मल हो चुका है. नीचे इसकी एग्जांपल्स मैंने दी हैं. तो फॉर एग्जांपल आई हैव डन इट, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम इसके साथ हैव इस्तेमाल करते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं. दूसरा फिक्र देखें, ही has written a story. अब यहाँ पर ही के साथ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने has को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, तो ही has written a story. अब सेम इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं. had का मतलब था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लेकिन इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं. चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हो हम हमेशा हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म आखिर में फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे हैड वन द गेम. अब यहाँ पर प्लूरल है तो मैंने लिखा है दे के बाद हैड और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वन द गेम. तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि हम दोनों सूरतों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कहीं कहीं चेंज हो जाते हैं. अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझाने लगा हूँ. एक एक्सरसाइज है वो मैं बुक में से भी आपको कराता हूँ. एक्सरसाइज पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. जो इसके ब्रैकेट्स में वर्ड लिखे हुए हैं उसके मुताबिक इनको उन टेंसेज में आपने चेंज करना है. फॉर एग्जांपल पहला फिक्र लिखा है आई सीव द ड्रेस. अब आई हैव सीवन द ड्रेस. वुड यू लाइक टू ट्राई इट ऑन. पहले फिक्र में हमने क्या किया, सीव की जगह सीवन लगाया और इसके साथ आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया. दूसरा सेंटेंस He finished his lunch and is waiting for his friend. He has finished his lunch and is waiting for his friends. Number 3 sentence. Janet leave bracket में लिखा हुआ है when we arrived at her home house. तो Janet had left, ये तीसरे फिक्र में had left आएगा. Number 4 sentence. चौथा फिक्र we send him the letter and are waiting for a reply. We have sent him the letter and are waiting for reply. Number 5 sentence. He promised that he will come. He has promised that he will come. Number next sentence. The concert started when she entered the hall. Concert kehte hain mehfil musiqi ko. Concert has started when she entered the hall. Number next sentence. She sell the car and must take a bus. अब इसमें sell की third form आएगी लेकिन उससे पहले she के साथ has. She has sold her car and must take a bus. Number next sentence. My father passed the driving test and will be given a license. My father has passed the
driving test and will be given a license. Number next sentence, second last, the singer sing three songs when we took our seats. Singer sing the third form sung, or the singer had sung three songs when we took our seats. Last sentence, the fisherman catch a lot of fish before they had made for the shore. Fisherman catch ko change karenge caught. The fisherman had caught a lot of fish before they made for the shore. ये exercise आपने इसको गौर से समझना है और इसमें जहाँ कहीं had का इस्तेमाल करना है फिक्रे को पढ़कर, और कहीं have का इस्तेमाल करना है, लेकिन brackets में जितनी form आप लिखी हैं आपने उनको third form में change करना है. इसके अलावा अगर कोई आपको किसी चीज़ में problem है, solve नहीं हो रहा, तो आप मेरे WhatsApp पर कॉल कर सकते हैं. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हम आपकी मदद के लिए तैयार रहें. बहुत शुक्रिया.